हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और मैं जो है बात कर रहा हूँ रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और वो मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। और वो जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। तो देखो, व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन जब भी हम इसकी बात करेंगे, किसकी? ओपन मार्केट एंड व्हाट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली रिजर्व बैंक क्या करती है, जैसे मान लो कि होता क्या है कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है, सेल और परचेज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है, सेल और परचेज। तो जनरली तो एग्जाम में इतना ही आ जाता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो बेचती और ख़रीदती है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। लिक्विडिटी बोलो या सप्लाई ऑफ मनी बोलो, समझ में है कि नहीं है, कि सप्लाई ऑफ मनी या लिक्विडिटी या क्रेडिट क्रिएशन, ये तीनों बात एक है, ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन या लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचती और खरीदती है। होता कैसे है ये, उसको समझते हैं। तो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को बोला कि ऐसा है कि तुम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचो, ठीक है। मान लो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इज़ नथिंग, जनरल सेंस में समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। सिक्योरिटी जो है एक तरीके का स्टॉक है, ठीक है ना, और ये जो स्टॉक है इसका अपना एक पर्टिकुलर टाइम है, इसका अपना पर्टिकुलर रेट है, और इसका अपना पर्टिकुलर एक अमाउंट है। मान लो कि इसका रेट 6% है, ये एक साल के लिए है, और इसका अमाउंट 10,000 करोड़ तक का है। कितने हजार करोड़ तक का है, 10,000 करोड़ तक का गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, 6% रेट हो गया, और टाइम इसका क्या हो गया, 1%। अब इसको कोई बेचेगा, इसको कोई खरीदेगा, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सिक्योरिटी को क्या कर रही है, बेच रही है। और मान लो कि इसको कोई एक बैंक परचेस कर रहा है, मान लो कि रिजर्व बैंक इज हियर इशूअर, ये सिक्योरिटी को इशू कर रही है, और इसको बैंक क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। जैसे क्या होता है, LIC वाला आपको LIC बेचता है, तो आप उस LIC को ख़रीदते हो, प्रीमियम देते हो, और आपको कागज़ दे देता है, तो वो जो कागज़ होता है दिस इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी। जैसे आपने LIC खरीदी, तो LIC में क्या होता है कि बेसिकली LIC में हम क्या करते हैं कि मान लो कि आपकी LIC 20 साल की है, और उसका आपको हर महीने प्रीमियम 1,000 रुपये देना है, और वो 2 करोड़ की LIC है, तो वो जो आप पेमेंट कर रहे हो अपने प्रीमियम का, तो उसके लिए आपको एक कागज़ दे रहा है, दैट पेपर इज़ नोन एज सिक्योरिटी। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो रिजर्व बैंक को बोलती है कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जब ये बात बोलेगी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात बोलेगी किसको, RBI को, कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करो, बेचो, तो अब क्या होगा कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 करोड़ की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, कहाँ पर, 10,000 करोड़ की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक है ना, 6% की रेट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा। तो जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो लोग इसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये लोग परचेस करेंगे, तो आप उतना से मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये 10,000 करोड़ रुपया देंगे RBI को, और RBI उतना पैसा मार्केट में क्या करेगी, फ्लो कर देगी। समझ में आया कि नहीं है? मतलब जैसे सपोज दैट, ध्यान सुनो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 10,000 करोड़ की है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI 6% की रेट पे इसको बेच रहा है, तो अब यहाँ से पैसा जनरेट होगा, और वो पैसा आ जाएगा किसके पास, RBI के पास, और ये इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी। तो जब भी रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब उसको ये लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना है, तो वो अपनी बेची हुई सिक्योरिटी को परचेज करना क्या करती है, शुरू करती है, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट टेक्निक इज़ नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। कहीं कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसका आंसर दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरुजी चैनल, बाय बाय।